हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट टेक। गाइस, अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो जब भी आपके लैपटॉप की बैटरी डाउन होती है या फिर नियर अबाउट 10% और 5% होती है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जरूर आता है कि आपकी लैपटॉप की बैटरी फिनिश होने वाली है, डिस्चार्ज होने वाली है, आप जल्द से जल्द चार्जर को कनेक्ट कीजिए। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन तब आता है जब आपकी बैटरी 100% फुल हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप 100% बैटरी फुल हो जाता है और उसके बाद भी चार्जर आपके लैपटॉप में प्लग्ड इन रहता है तो डेफिनेटली आपके लैपटॉप की बैटरी का जो लाइफ स्पान है वो कम होता है, क्योंकि आपके लैपटॉप की बैटरी जब फुल हो चुकी है उसके बाद भी लगातार पावर सप्लाई उसको प्रोवाइड की जा रही है तो कहीं ना कहीं पावर लॉस जरूर होता है। तो इस पावर लॉस से बचने के लिए और अपनी बैटरी के लाइफ स्पान को कम होने से बचाने के लिए यहां पर आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसमें जब आपकी बैटरी एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाएगी जिसे आप असाइन कर सकते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि 90% 95% पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपकी बैटरी फुल हो गई है लैपटॉप की, तो आप चार्जर को प्लग्ड आउट कर सकते हैं, यानी कि डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आपको चार्जर की उस टाइम नीड नहीं है। तो बहुत काम की हो सकती है ट्रिक आपके लिए, जिसमें मैं आपको यहां पर एक स्क्रिप्ट के थ्रू इस ट्रिक को फॉलो करना बताऊंगा। इस स्क्रिप्ट को मैं आपको यहां पर पूरा लाइन बाय लाइन समझाने तो नहीं वाला हूं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत जगह पर अवेलेबल है और इस स्क्रिप्ट को मैंने फॉलो किया और प्रैक्टिकली जब इसको यूज किया तो ये स्क्रिप्ट परफेक्टली वर्क कर रही है। तो वीबी स्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो यहां पर इस स्क्रिप्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कॉपी करना है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से ये स्क्रिप्ट वर्क करेगी। तो यहां पर हम अपने लैपटॉप में आ जाते हैं। यहां पर लैपटॉप में आप नीचे देखिए, अभी मेरा चार्जर कनेक्ट है और यहां पर 19 मिनट टू फुल चार्ज आ रहा है, यानी कि अभी फुल चार्ज नहीं है। अगर मैं यहां पर चार्जर डिस्कनेक्ट करता हूं अपने लैपटॉप से तो यहां पर मेरे सामने देख लेते हैं हम कितना परसेंट हमारा लैपटॉप चार्ज है। 85% हमारा लैपटॉप चार्ज है, 15% और बचा है। तो मैं वापस से यहां पे चार्जर कनेक्ट कर देता हूं, लैपटॉप में मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से हमारा जो चार्जिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी है जो कि आप नोटपैड में यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा उसकी TXT फाइल प्रोवाइड करूंगा। आपको जो स्क्रिप्ट फॉलो करनी है वो ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस स्क्रिप्ट का स्नैपशॉट लेके फिर आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और इस स्क्रिप्ट को आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो मेन चीज है, आई परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 98 मैंने लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको 95 करते हैं दैट मीन कि आपको 95% पर एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक पॉपअप आ जाएगा जो आपको बता देगा कि भाई आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। इस तरीके का मैसेज, बैटरी इज फुली चार्ज, ये मैसेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 95% मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे 95 कर देता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ यहीं पर ही वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी और कुछ चेंज नहीं करेंगे। आपको ये फाइल सेव करनी है क्योंकि मैं आपको एक TXT फाइल शेयर करूंगा। हो सकता है कि VBS फाइल शेयर करूँ तो आज आपके साथ शेयर हो, कल ना हो, क्योंकि गूगल ड्राइव की भी पॉलिसीज काफी जल्दी जल्दी चेंज होती जा रही है, इसलिए मैं आपके साथ TXT फाइल चेंज करूंगा। अगर आपको गूगल ड्राइव से स्क्रिप्ट को कॉपी करने में, डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो मैं वहां पे फेसबुक लिंक भी शेयर करूंगा। कहां पर शेयर करूंगा अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से स्क्रिप्ट वर्क करेगी। ठीक है, फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को नोटपैड में लिखने के बाद और डेस्कटॉप पर आप सेव कर लेंगे फुल बैटरी .vbs। ठीक है, आपको ये फाइल .vbs एक्सटेंशन से ही सेव करनी है। ठीक है, .txt एक्सटेंशन से ये फाइल सेव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फुल बैटरी, बैटरी एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, मैंने फाइल ऑलरेडी सेव की हुई है इसलिए मैं इसको यस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज करूंगा तो आपके पास इस तरीके का एक आइकन आ जाएगा और इस तरीके की एक फाइल आएगी। ठीक है, मैंने फुल बैटरी नाम दिया था इसलिए यहाँ पे फुल बैटरी यहाँ पे नाम आ रहा है। इस फाइल का क्या काम है, जब भी ये रन होगी तब आपके सिस्टम में ये स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगी और जैसे ही आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है वो 95% रीच करेगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस फाइल को रन करते हैं यानी कि मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को स्टार्टअप पर प्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा
तब ये फाइल ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होगी, और ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होने पर जब भी आप चार्जर प्लग इन करेंगे, जैसे 95% पहुंचेगा आपके पास मैसेज आएगा। अब आपको ये फाइल कॉपी कहाँ करनी है जिससे कि स्टार्टअप पे ऑटोमेटिकली रन हो सके, ठीक है? तो हम इसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके मैंने इस पे क्लिक किया, कॉपी किया, ठीक है? यहां पर आप रन कमांड में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे शेल कॉल ऑन स्टार्टअप, ठीक है? शेल कॉल ऑन स्टार्टअप आप लिखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। एक फोल्डर आपके सामने ओपन होगा स्टार्टअप का, यहां पर आप ये फाइल पेस्ट कर देंगे। आपने देखा यहां पे मैंने ये फाइल पेस्ट कर दी है। देन आप क्लोज करेंगे और अपना लैपटॉप आप रीस्टार्ट कर लेंगे। तो मैं अपना लैपटॉप रीस्टार्ट कर लेता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि चार्जर यहां पे प्लग्ड इन है हमारा, ठीक है? तो हम वेट करते हैं, अभी देखिए कि यहाँ पे 88% हमारा लैपटॉप चार्ज है। हमें यहाँ पे वेट करना होगा 95% तक चार्ज होने का, फिर उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास पॉपअप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम वेट करते हैं 95% होने तक का। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस स्क्रिप्ट को कॉपी या डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है? आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है? इस जस्ट वीडियो के नीचे एक टाइटल आ रहा होगा और टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? हाउ टू गेट फुल बैटरी नोटिफिकेशन इन विंडोज 10, देन डाउनलोड स्क्रिप्ट। और डाउनलोड स्क्रिप्ट के लिए एक शॉर्ट लिंक मैंने दे रखा है जो कि गूगल ड्राइव का लिंक है, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गूगल ड्राइव का लिंक प्रोसेस होगा और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये फाइल आ जाएगी, फुल बैटरी डॉट टीएक्सटी। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप इस पर राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो नोटपैड फाइल है डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको सब चीज सेलेक्ट करनी है, देन कंट्रोल सी आपको दबाना है, देन आप जाएंगे नोटपैड में और यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। देन आप फाइल में जाके सेव एस करके, जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही आपको इस फाइल को सेव करना है, ठीक है? किसी भी नेम से डॉट वीबीएस, यानी कि बैटरी स्टेटस डॉट वी बी एस, मैं इस नेम से सेव करता हूँ। देन आपको सेव कर लेनी है। देन आपको वो फाइल मूव कर देनी है जहां पर मैंने आपको बताया शेल कॉलोन स्टार्टअप में। तो यहां से आप फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक लिंक आपको नीचे और मिलेगा, कॉपी स्क्रिप्ट फ्रॉम फेसबुक। तो यहाँ पे एक फेसबुक का लिंक मिल जाएगा जहां पर से आप ये पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों लिंक का आपको यूज करना है। और टेलीग्राम यूजर्स जो मुझसे कनेक्टेड है वहां पर आपको डायरेक्टली नोटपैड फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो आपको इस स्क्रिप्ट को इस तरीके से यूज लेना है। चलिए अब वेट कर लेते हैं हमारे लैपटॉप की बैटरी को 95% होने का। 90% हो चुकी है, थोड़ा सा 5% और बचा है, हम वेट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा 95% क्रॉस करते ही, 96% होते ही यहाँ पर हमारे सामने पॉपअप आ गया है, बैटरी इज फुली चार्ज। तो ये जब भी आप कोई ना कोई टास्क कर रहे होंगे तो आपको ये पॉपअप नजर आ ही जाएगा और आप जस्ट इसको ओके करके क्लोज कर देते हैं। ये पॉपअप सिर्फ एक बार इसलिए आया क्योंकि हमने स्टार्टअप पे फाइल लगाई और स्क्रिप्ट सिर्फ एक बार रन हुई, ठीक है? अगर आप इस फाइल को डबल क्लिक करके बार बार रन करेंगे तो उतनी ही बार यहाँ पर पॉपअप आएगा। तो गाइज ये थी एक छोटी सी ट्रिक जो आपकी बैटरी की लाइफ स्पान को सेव करने में हेल्प करेगी। डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।